नमस्कार, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। कल रात में हम तिरुवनंतपुरम से पूवार पहुंचे, एक घंटे का सफर करके यहां क्लब महिंद्रा में रुके। आज हम पहले जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए और उसके बाद जाएंगे हम कन्याकुमारी। याद आ गया, बचपन में हम स्कूल में पढ़ा करते थे इंडिया के दो कॉर्नर्स, नॉर्थ टू साउथ, कश्मीर टू कन्याकुमारी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बस अब निकल रहे हैं, सुबह ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, वी आर लेट। ओरिजिनल प्लान था कि हम 7 बजे निकलेंगे। बस पहुंच गए हम पूवार अ डे बैक वाटर राइड। सामने चल के बात करेंगे। मेरी इनसे बात हुई है, पैकेजेस तो सामने हमने देख लिए हैं, बाकी 2,500 रुपीज के अंदर 1.5 आवर करें शुरू। रिवर में एंटर करते ही ना बैक वाटर की फील आ गई है। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ लेक में बोटिंग करना और इस तरह से बैक वाटर्स पर बोटिंग करने में फर्क है। यहाँ पर ना ग्रीनरी आजू बाजू और इस तरह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं सामने, ये कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है तिरुवनंतपुरम से। लगभग 35 फुट डेप्थ से अब हम राइट टर्न लेने वाले हैं जंगल की ओर। यहाँ पर पानी शैलो हो जाएगा 4 से 5 फीट और यहां एंट्रेंस पे ही हमको जंगली पाइनएप्पल दिखाई दे रहा है। प्राइस 40 रुपीज। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। देखो, बोट में इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है और कोकोनट वाटर बेच रहे हो। क्या बात है, पहली बार मजा आ गया। वेरी गुड। इसमें मलाई है। एक बात है, यहाँ के नारियल में पानी ज्यादा है। बताओ, बैक वाटर्स में बोटिंग और उसके ऊपर इस तरह से मलाई। अच्छा, इनको हिंदी नहीं आती लेकिन गाना आता है, तो हमें कुछ सुनाओ। मेरा दिल भी कितना पागल है प्यार तुमसे करता है। सुपर, अरे बोली। इस तरह का बैक वाटर का अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको केवल केरला आके ही मिल सकता है। बहुत खूबसूरत, कैसे हम जंगलों के बीच में से ऐसा निकल रहे हैं, दिस इज टू गुड। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे डेल्टा की ओर। अभी हम आगे सैंड की ओर जा रहे हैं, वहीं पर हमें संगम देखने को मिलेगा समुद्र का नदी के साथ, जिसको एस्चुरी पॉइंट बोलते हैं। जबरदस्त नजारा है, देखो। वाकई ऐसा लग रहा है कि हम कोई सपनों की दुनिया में पहुंच चुके हैं। सामने हमें बताया गया कि वो है संगम पॉइंट, जहां पर रिवर और समुद्र का संगम हो रहा है। यहां पर ये भी बड़ा चार्म है कि बड़ी बोट्स हैं, उसके ऊपर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो आप यहां पर रुको, खाओ पियो और जर्नी कंटिन्यू करो। हमने नारियल पानी पी लिया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। वाओ, क्या एक्सपीरियंस है। इस तरह से इस बीच को बोलते हैं गोल्डन सैंड बीच। नारियल पानी, पाइनएप्पल और पानी की बॉटल। ये पॉइंट देखने के लिए ना जाने मैं कब से एक्साइटेड था। आप देखो ये नदी का भाव और सामने वो समुद्र में जाके संगम में मिल रहा है और समुद्र की लहरें बीच बीच में रेते को भी क्रॉस करके इस तरफ आ रही हैं। यहाँ इन्होंने ये रस्सी लगाई हुई है जिससे कि कोई आगे ना जाए, क्योंकि रेता पानी में गिर सकता है। इस समय बहुत अच्छे से धूप निकल चुकी है, 11 बज गए हैं।
हमें धूप से फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा इंजॉय करने के लिए या तो अर्ली मॉर्निंग आओ या शाम को आओ। एलिफेंट रॉक कितना अच्छा लग रहा है इसको देखना। ये फ्लोटिंग कॉटेजेस भी बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये भी कह सकते हैं एक्सपीरियंस है ऐसी जगह पे रहना। ये पूरी जर्नी का मेरे को बेस्ट पार्ट लगा है, एक तो संगम देखना, दूसरी चीज इस तरह से फॉरेस्ट के बीच से गुजरना। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके दोनों तरफ ट्रीज, काफी सारे कोकोनट ट्रीज और नैरो से पैसेज के अंदर से आप गुजर रहे हो ऐसी बोट में। ये है गोल्डन एक्सपीरियंस जो आपको केरला आके ही मिल सकता है। अरे थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बढ़िया बोट राइड करवा दी, ठीक है। साथ में इन्होंने हमको डिस्कस कर रहे थे रास्ते में, केरला में जैसे हम भैया भाई बोलते हैं चेटा बोलते हैं, इस जगह चेटा भी बोलते हैं और अन्ना भी बोलते हैं। और आप क्या समझा, फ्रेंड्स को हम मच्चा या अलिया हाँ, फ्रेंडशिप में जैसे अरे भाई क्या हाल है ऐसा, मुंबई में और बंटा है। सो नाइस, चलो ग्रेट, थैंक यू सर। 11:40 हो गए, हम कन्याकुमारी के लिए निकल रहे हैं, 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में, 70 किलोमीटर का रास्ता है। चेक पोस्ट में रुके परमिट निकालने के लिए, 250 रुपीज यहाँ चार्ज देना, आगे जाके 50 रुपीज, क्योंकि हम केरला से अब तमिलनाडु एंटर कर रहे हैं। ये बनाना की होलसेल शॉप है, आप देखो कितनी सारी वैरायटी है, ये मतलब कमाल है, इतनी सारी वैरायटी बनाना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सर 1 पीस थैंक यू, ये रेड बनाना है। सर प्राइस 40 रुपीज 1 kg। ये इसका छिलका उतारते समय मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है दूसरे बनाना के मुकाबले में इसका छिलका। एकदम डिफरेंट टेस्ट है। दूसरी बात, इसको खाने में मेरे को थोड़ा ज्यादा हार्ड लग रहा है दूसरे के मुकाबले में, गुड एक्सपीरियंस। थोड़ी सी मेरे को इसमें स्वीटनेस भी कम लग रही है। 7 वैरायटी इन्होंने बनाने की हमारे को दिखा दी खड़े खड़े, बहुत खूबसूरत, थैंक यू। एक बार मैं पूरा देख सकता हूँ क्या थोड़ा उठाकर, बहुत हैवी है, मतलब 30 kg। थैंक यू। ऑलमोस्ट अभी हमने 2 घंटे का सफर कर लिया है, कन्याकुमारी अब यहाँ से केवल 12 किलोमीटर दूर है। हम कोस्टल रूट फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड पे आधा या 1 किलोमीटर चले जाएंगे तो पूरी ये कोस्ट लाइन है अरेबियन सी। फाइनली हम कन्याकुमारी पहुंच गए। सामने सी बीच है, वॉक कर रहे हैं, पहले चल के लंच करते हैं उसके बाद बीच साइड पे जाएंगे। इस एरिया में होटल सरवाना पॉपुलर वेज फूड रेस्टोरेंट है, अपने लिए मैंने मंगाया मसाला डोसा। केरला में हमने देखा पुट्टू और अप्पम बहुत पॉपुलर है, उतना ही पॉपुलर डोसा है तमिलनाडु में। क्रिस्पी डोसा, अंदर मसाला, बाहर इन्होंने टोमेटो चटनी दे दी, कोकोनट और सांबर तो आई गया साथ में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां आने के बाद मेरे को सांबर में खटास मिलेगी, वैसा नहीं है। सांबर में इमली की मात्रा बहुत कम है, बाकी डिसेंट सा डोसा है। अच्छा मील, साफ सुथरा रेस्टोरेंट, अंदर ये एसी सेक्शन है, बाहर सिटिंग स्पेस भी है। डोसा और चटनी का कॉम्बिनेशन स्वाद है, सांभर का टेस्ट एवरेज है। बाकी बेस्ट पार्ट इस जगह का मेरे को ये लग रहा है हाइजीन फैक्टर सही है, साफ सुथरा रेस्टोरेंट है,
आप अगर थक गए घूमते घूमते तो यहाँ के आराम से बैठ के फूड इंजॉय कर सकते हो। मैंने इनका मेन्यू देखा था, साउथ इंडियन के साथ साथ नॉर्थ इंडियन और चाइनीज फूड भी यहाँ पे अवेलेबल है। फाइनली हम कन्याकुमारी में ऐसी जगह खड़े हैं जो इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप है। यहाँ से आप तीन नज़ारे देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, तीनों महासागर यहाँ पर आके मिल रहे हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, कितना भी आप यहाँ पर बैठ जाओ और इस नज़ारे को सिर्फ देखो और इन्जॉय करो। सामने जो आप बड़ा स्टैचू देख रहे हैं वो तमिल पोएट तिरुवल्लुवार का है और उस बिल्डिंग में स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू है। हमें अभी उस जगह जाना है सामने, वहां से हम फेरी लेंगे स्वामी विवेकानंद स्टैचू जाने के लिए। 50 रुपए की एंट्री टिकट लेकर हम फेरी की ओर जा रहे हैं। अभी तो लाइन नहीं थी टिकट काउंटर में, लेकिन अगर ज्यादा लाइन होती है तो आप 200 रुपए की टिकट निकाल के लाइन एस्केप कर सकते हो, लेकिन जाना इसी फेरी में है। अंदर हम स्वामी विवेकानंद का स्टैचू देखने गए, दर्शन किए। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। 1892 में स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे, उन्होंने मेडिटेशन की थी यहाँ पर, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस समय हम सी बीच के पास हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रीट फूड में फ्रूट्स मिलते हैं, तो हम अपने लिए पाइनएप्पल कटवा रहे हैं 80 रुपीस। या पाइनएप्पल कट, वाह जी वाह, फैंटास्टिक, ग्रेट। और एक मैंगो भी दे दो, मैंगो मीठा है, ये भी देखो मजा है। कन्याकुमारी में सी बीच के पास इस तरह से हम पाइनएप्पल खा रहे हैं और इसके बाद मैंगो भी खाएंगे। वन मैंगो या ये आम को सर्व करने का अंदाज अच्छा लगा मेरे को, कैसे काट के दिया। पाइनएप्पल टेस्टी था, ये बहुत खट्टा है, बहुत ज्यादा खट्टा है। बहुत खूबसूरत व्यू है सनसेट का। इस समय शाम को 5:50 का टाइम है, 8 मिनट के बाद सनसेट होने वाला है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, पूरी देखिए समुद्र दूर दूर तक और उसके ऊपर ऑरेंज कलर का सन बादलों में डूबता हुआ, टू गुड। सवा 6 बजे का टाइम हो चुका है, हमको लगभग अभी 2.5 घंटे का सफर करके वापस पूवार जाना है, तो अब हम यहां से निकलते हैं। ऑलमोस्ट 2.25 घंटे लग गए हमको पूवार पहुंचने में। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आए हैं हम, यहाँ पे उत्तपम आ भी चुका हमारे सामने चटनी और सांभर के साथ। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये कोकोनट है, घी में बनाया गया, खुशबू इसकी महसूस हो रही है, वेरी सॉफ्ट। खाने से पहले ही मुझे फील हो रहा है कि इसका टेस्ट अच्छा आएगा।
अच्छी प्रिपरेशन है, काफी सिंपल और डिसेंट। कुल मिला के जिस तरह की सॉफ्टनेस का उत्पम से उम्मीद किया जाता है ऑलमोस्ट वैसा ही है, और ऊपर जो कोकोनट डाला और घी के अंदर बनाया है, ये दो चीज उत्पम पे एकदम अच्छा टेस्ट दे रही है। मुझे ऐसा खाने से इतना एंजॉय हो रहा है कि मैंने दो तीन बाइट ले ली जिसमें सांभर अभी तक टेस्ट भी नहीं किया। सांभर एवरेज है लेकिन चटनी और उत्पम फाइन है। सांभर से मैं थोड़ी ज्यादा उम्मीद कर रहा था बट दैट्स ओके। आज की जर्नी हमारी रात को 9:30 बजे समाप्त हो रही है। कल हमारा प्रोग्राम है, हमको अल्लपी जाना है, उससे पहले मॉर्निंग में कोवलम बीच जाएंगे जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून। पुवार से कन्याकुमारी जर्नी की समरी। अच्छा हो गया हम कन्याकुमारी गए, नहीं तो इतना खूबसूरत नजारा हम मिस कर देते। जब आप यहां पर आएंगे तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप पुवार में नाइट स्टे करना चाहेंगे या त्रिवेंद्रम में। वैसे ये दोनों जगह पास पास ही हैं, लेकिन जिस जगह आप नाइट स्टे करते हैं उस जगह को आप थोड़े बेहतर ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने केरला टूर का ट्रेलर फेसबुक पर पोस्ट किया, आपने वहां पर स्कूबा नोटिस करी होगी। स्कूबा करने से पहले मैं बहुत डरा हुआ था, बाद में जब मैं पानी से बाहर आया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ मैं 23 मिनट पानी के अंदर था। स्कूबा के एक्सपीरियंस को शब्दों में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत फन है इस तरह से स्कूबा करना। आपकी जानकारी के लिए हम अलपी से नॉर्थ केरला भी गए। केरला टूर को एंजॉय करने के लिए जरूरी है कि आप सारे एपिसोड सीरीज में देखें, नहीं तो आप कनेक्टिविटी मिस कर देंगे। जल्दी मिलेंगे नए और एक्साइटमेंट भरी जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।